हॉस्टल लाइफ एक ऐसा लाइफ होता है जहाँ लड़का फ्री होता है, समझ रहे हैं, जहाँ मतलब कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। कितने साल से पटना में रहते हैं? पटना में 5 साल से रह रहे हैं। बट 5 साल में देखे नहीं थे? रोज देखते हैं, लेकिन रोज देखने का नजरिया बदलता है। आप गए बाहर, एक दो सुट्टा ही मार लिए। देखिए ये कॉमन चीज़ है, ये मतलब होता है लड़कों में, ठीक है। तो वहाँ पे आप घर पे जा नहीं सकते, मम्मी पूछ देंगी, पापा को कहीं सुगंध स्मेल आ गया कि अरे सिंगल। आप सिंगल हैं कि रिलेशनशिप वाले? भैया सिंगल हैं हम, इसीलिए दूसरों को देखने जाते हैं। अरे भैया मतलब अपना नहीं है तो दूसरों का देख के संतोष नहीं करे क्या? क्या बात बोल रहे हैं? किस चीज़ का सुशासन भैया? परसुए तो सिमेश के पास मार के दरका दिया। जो जो भैया भगत सिंह बना है ना, वो एक दिन मारा गया, ठीक है। हमको गांधी नहीं बनना, बनना भगत सिंह बनना है। जो भी करेंगे डंके के चोट पे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज रात के रिपोर्टर में स्पेशल कुछ दिखाने वाले हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो रात में थके हारे आते हैं तो क्या करते हैं। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल का रूम जो है वो अभी किस तरह से दिख रहा होगा आपको। बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए लैपटॉप में आपको दिख रहे होंगे, टी शर्ट नहीं पहने हैं लेकिन दिन भर थक के आए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, वो पढ़ते रहेंगे। और चलिए, ये जो फ्लैट है, ये जो हॉस्टल का फ्लैट है उसमें एक रूम में बच्चे लोग अभी जमा हैं, उन पे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिन भर क्या किए। जी हाँ, देख सकते हैं कि आप जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, दिन भर क्या किए, क्या पढ़ाई किए वो भी पूछेंगे। और हॉस्टल लाइफ कितना डिफरेंट होता है, मतलब कि आम लोग तो घर जाता है, खाना पीना खा के सो जाता है। हॉस्टल लाइफ, पहले तो अपना नाम बताइए। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किसी IIT का प्रिपरेशन। तो हॉस्टल लाइफ में मज़ा आता है कि जो बोलते हैं लोग कि नहीं उतना मज़ा नहीं आता? टाइम पे डिपेंड करता है, दोस्त रहते हैं तो मज़ा आता है, नहीं तो खाना पीना हर चीज़ खुद से करना। खाना तो बन के आता है मेस से। मेस वाला। हाँ। और क्या आप चीज़ मिस करते हैं घर के बारे में? नहीं, दोस्त रहता है उतना फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्त है तो फर्क नहीं पड़ता नहीं। आपका नाम क्या हुआ? गुलशन राज यादव। क्या करते हैं? CA का तैयारी करते हैं। CA का तैयारी करते हैं? कितने साल से? अभी एक साल हुआ। एक साल? साल तो पूछना बनता है ना कि CA के लिए। हाँ जरूर जरूर। कितने साल से कर? एक साल से। हाँ। तो हॉस्टल लाइफ और घर वाला लाइफ में क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्योंकि दिन भर तो आप काम करके आए होंगे, क्या करते हैं? मतलब कि दिन भर क्या किए? दिन भर तो खाए पिए सोए, अभी तो आराम से खाए पिए सोए, तो CA कैसे निकलेगा? निकलेगा निकलेगा। लेकिन रात में हम आए, आपको दिख रहा होगा कि ये दिन नहीं है, आप बाहर देख सकते हैं खिड़की के, कि रात में हम आए हैं बस इसलिए क्योंकि दिन भर स्टूडेंट थक जाते हैं। क्या करके थक गए आज? आज पढ़ाई करके, क्या करके आज? जो मतलब जैसे आज हम लोग मतलब सारे लोग गए थे घूमने, आज पटना को देखने गए थे। हाँ। पटना को देखने के लिए? हाँ। कितने साल से पटना में रहते हैं? पटना में 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल में देखे नहीं थे? रोज देखते हैं, लेकिन रोज देखने का नजरिया बदलता है। नजरिया बदल जाता है जी। क्या नजरिया? आज क्या दिखा अलग? आज हमको मतलब अलग ये दिखा कि पटना में सिंगल का रेट बहुत बहुत कम है रिलेशनशिप वालों से। ये दिखा आपको, मतलब कि सिंगल का रेट ज्यादा है? यस। मतलब काहे कि आज हम एसके पुरी पार्क में गए थे, इसीलिए। एसके पुरी पार्क में गए थे इसीलिए जी। तो क्या दिखा वहाँ पे? कपल्स ज्यादा थे और मतलब कुछ हम मतलब जैसे सिंगल। आप सिंगल हैं कि रिलेशनशिप वाले हैं? भैया सिंगल हैं हम, इसीलिए दूसरों को देखने जाते हैं। अरे भैया मतलब अपना नहीं है तो दूसरों का देख के संतोष नहीं करे क्या? क्या बात बोल रहे हैं? दूसरों को देख के संतोष कर लेते हैं जरूर। और बताइए, हॉस्टल लाइफ जो है वो अच्छा है घर वाले लाइफ से या बेकार है या ओके? नहीं, मतलब कुछ नजरियों में बहुत अच्छा है। क्या नजरिया? जैसे यहाँ पे हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। मतलब किसी के मतलब किसी पे किसी का बाउंडेशन नहीं है कि हाँ हम ये मतलब ये करेंगे तो मतलब कोई आके मेरे पापा को बोलेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, मतलब वो चीज़ सीखते हैं जो चीज़ हमें किताब और शिक्षक नहीं पढ़ा, मतलब स्कूल में वो उस चीज़ का पढ़ाई। फिर इन 5 सालों में? पाँच साल में बहुत कुछ सीखे हम। क्या है सबसे बड़ा चीज़? सबसे बड़ा चीज़ कि गिर के कैसे उठा जाता है। गिर के कैसे उठा? आप सीख गए? हाँ बिल्कुल। अभी क्या करते हैं आप? अभी हम मतलब आप BA/BEd कर रहे हैं अभी हम। BA/BEd कहाँ से? जी मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर की डिस्टेंस वाला पढ़ाई करते हैं? हाँ। यहाँ पे कोचिंग जाते हैं? हाँ, मतलब क्लासेस वगैरह जाते हैं कि बंक मार देते हैं? रोज जाते हैं क्लास रेगुलर। सही में? सही में। आज SK Puri क्या कर रहे थे? फिर क्लास सुबह में होता है भैया। अच्छा, क्लास सुबह में होता जी। है शाम में जाते हैं? यस। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल। और क्या चाहते हैं जीवन में? जीवन में चाहते हैं कि ऐसे ही मतलब जैसे अभी हम लोग का जिंदगी है। हाँ। वैसे हमेशा रहे, मतलब कोई अभी दबाव नहीं है। मम्मी पापा याद नहीं आते हैं? घर वाला जिंदगी याद नहीं आता है, वो रोटी वो सब्जी? अरे भैया देखिए, खाना होता है ना। हाँ। वो मतलब हाथ से नहीं, मतलब कौन आपके साथ खा रहा है ना उस पर मतलब डिपेंड करता है। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाइएगा खाने में तो वहाँ पे आप खाने में हिचकिचाइएगा।
समझे। लेकिन भाई अगर दोस्त लोग के साथ जाएगा तो एकदम खुले दिल से खाइएगा। ऐसा होता है क्या? अरे भैया, अरे इसके साथ कितना बार गए रेस्टोरेंट, हम लोग के खाने में बाजी लगता है कि अरे भाई तू मतलब कौन कौन कितना का, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और गर्लफ्रेंड के साथ आप जाते हैं तो क्या होता है? नहीं सिंगल है ना, पहले ही बता सिंगल जी। मना लोग हिचकिचाते हैं? हाँ हिचकिचाते हैं। बनना क्या चाहते हैं आप? काफी खुश मिजाज हैं। हाँ जैसे बनना तो क्या मतलब, अगर वैसे देखिए तो मतलब मेरा सपना है कि हमें पॉलिटिशियन बने। हाँ, लेकिन नेता बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते थे। हाँ, लेकिन जब से पटना में आए ना तब से मतलब चाहते हैं कि शिक्षक बने, जिसका हम पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक बने, टीचर बनना चाहते हैं आप? टीचर बनना चाहते हैं? क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाएंगे जी। और पॉलिटिक्स जो आप करना चाहते थे वो भूल गए? नहीं पॉलिटिशियन बनना भूल गए ना? अरे भैया पॉलिटिशियन बनना भूल चुके हैं। भूल चुके हैं ना, अब नहीं बनना? नहीं। क्यों? अरे भी आप ना मतलब जैसे देखिए, अरे क्या दिख गया कि अब आपको नेता लोग खराब लगता है? कुछ हुआ होगा ना, क्योंकि सपना था नेता बनना, अब सब टूट गया। मतलब बिहार में भी किसकी सरकार है? नीतीश बाबू की। नीतीश बाबू की आज तक मतलब पटना में कोई ऐसा यादगार काम जो मतलब नीतीश बाबू मतलब इधर कुछ सालों से किए? नहीं किए। लोग बोलते हैं कि सुशासन बाबू हैं, सिस्टम अच्छा किए हैं, रोड बनाए हैं, पुल बनाए हैं। किस चीज़ का सुशासन भैया? परचुए तो सीमेंट के पास मार के दरका दिया। हाँ क्या किया पुलिस? कुछ नहीं, नहीं। मतलब इसी लोग के चलते हो सकते तो आप अच्छा नेता बन जाते हैं? नहीं 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 भैया, नहीं बन सकते। नहीं। जो जो भैया भगत सिंह बना है ना वो एक दिन मारा गया, ठीक है? हमको गांधी नहीं बनना, बनना भगत सिंह बनना है। जो भी करेंगे डंके के चोट पे करेंगे, ठीक है? इसीलिए शिक्षक बनेंगे कि आराम से जिंदगी काट सके, एकदम रिस्पेक्टफुल लाइफ, एकदम। चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? युगांक। क्या बनना चाहते हैं? ऐसे तो जीवन में करना ठेकेदारी के लाइन में घुसना। क्या करना चाहते हैं? ठेकेदारी। ठेकेदारी। और हॉस्टल लाइफ जो आप रह रहे हैं वो कैसा लग रहा है घर के लाइफ से? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब कि अलग है घर का, माँ बाप का जो खाना होता है, मम्मी जो बनाती है वो याद नहीं आता घर के खाने का, बात का अलग है। कहीं भी मजा नहीं है घर के खाने का। अब वो यहाँ पे क्या ये कह रहे हैं जैसे कि फ्री यहाँ महसूस होता है? हाँ ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा। नहीं घर पे भी ठीक है माहौल, वैसा नहीं है कि एकदम प्रेशर रहता है। दिन भर क्या किए ये बताइए? दिन भर क्या किए? भाई साहब के साथ आज हम भी गए थे घूमने। अच्छा घूमने? आप सब लोग घूमने ही गया था। आपका नाम क्या हुआ? कुमार है मैंने। कुमार क्या करते हैं? जी मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नीट का जी। तो बताइए दिन भर आप आज क्या किए? एक्चुअली मॉर्निंग, क्योंकि स्टूडेंट से ये सब पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल माहौल जो है वो कुछ और ही दिखता है पटना में। जी जी जी। आप बताइए क्या किए? जी सुबह उठना था, फ्रेश वेश होकर के खाना खा के एट फर्स्ट हम PW गए, वहाँ से क्लास कर लिए। उसके बाद फिर भैया लोग के साथ, जैसा कि भैया लोग बताए SK Puri गए थे। हाँ, तो साथ में आज हम भी थे। सेम चीज मतलब पढ़ाई नहीं दिखता है पटना में? नहीं पढ़ाई दिखता है, ऐसा बात नहीं है कि पढ़ाई नहीं दिखता। पढ़ाई दिखता तो UPSC वाले दिखे इस बार। आपके पहले फोन आ जाता था कि भाई हम निकाल लिए, फोन आया। हर साल एक ही स्टेट का नहीं हो सकता है। क्या पिछले साल भी गिरा था? हमेशा गिरते जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है? हाँ कहीं ना कहीं अब बिहार का पढ़ाई उस तरीका से नहीं जा रहा है आपके इंडिया में, उस लेवल पे बिहार का लड़का लोग या लड़की लोग परफॉर्म नहीं दे पा रहा है। लेकिन अभी लड़की एक निकली है पायलट, आपको पता होगा, वो भी बिहार से निकली, बिहार का नाम चल रहा है। देखिए अब हर फील्ड में हर साल मतलब कि एक ही स्टेट तो टॉप नहीं कर सकता ना, बाकी स्टेट को भी तो मौका मिलना ही चाहिए। हॉस्टल लाइफ और घर वाले लाइफ में क्या डिफरेंस है? लोग हॉस्टल लाइफ एक ऐसा लाइफ होता है जहाँ लड़का फ्री होता है, समझ रहे हैं? जहाँ मतलब कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ कुछ कुछ बिगड़ना है तो बिगड़ेगा, सुधरना है तो सुधरना, मतलब कि लाइफ को फ्रीली वो इंजॉय करता है, पढ़ाई भी करता है लेकिन लाइफ को फ्रीली इंजॉय करता है। घर पे है कि आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, मानिए कि आप गए बाहर एक दो सुट्टा ही मार रही है। हाँ। देखिए ये कॉमन चीज़ है, ये मतलब होता है लड़कों में, ठीक है? तो वहाँ पे आप घर पे जा नहीं सकते, मम्मी पूछ देंगी, पापा को कहीं सुगंध स्मेल आ गया कि अरे आज तो सिगरेट पी के आया लगता है। यहाँ है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ है कि चलो बाहर में पी लिया, बाहर में आप देखिए आप घूमिए, यहाँ का माहौल भी वैसा है। आप किसी भी चाय दुकान पे खड़ा हो जाइए तो वहाँ, लेकिन जिंदगी जीने का मजा हॉस्टल ही में आता है। हाँ बिल्कुल, ये तो हम मानते हैं। घर में प्यार मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है, डांट मिलता है, माँ बाप का लाड़ प्यार डांट सब सुनने को मिलता है। आदमी का जिंदगी वहाँ पे पापा सिखाते हैं, यहाँ पे है कि जिंदगी खुद से लोग सीखता है। चलिए देखिए हॉस्टल में हम मौजूद थे और रात में आए थे कि दिन भर जो स्टूडेंट है वो क्या किए, क्या नाम है, क्या बनना चाहते हैं, और अलग अलग चीज़ हमने सवाल किया।
क्या कुछ कहना था इनका वो आपने देख लिया, तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज लाइक करें।